एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जो आज डे है वो है संडे, एंड आज है 15वां रोज़ा। टाइम जो हो रहा है 12 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। और आज संडे है जैसे कि, तो मैं मम्मी के घर पर जा रही हूँ और शाम को मुझे थोड़े से मार्केट के भी काम है तो वो भी करना है। तो चलिए, तो मैं रेडी हो गई हूँ और बस बैग ले लिया है, बस निकलना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको, उस बैग में मेरा सामान है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था ईद के लिए वो है। तो वो कुर्ता मुझको डालकर आना है टेलर के पास, तो बस यही थोड़ा बड़ा सा मेरा काम है। चलो, तो बस मैं फुटवेयर घर को लॉक हो रहा है और बस मैं अपनी फुटवेयर वेयर कर लूँ। बहुत हाँ, तो फर्स्ट फिर चलते हैं और आज मम्मी के घर जा रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा। आज ना मैं 10 बजे सोकर बहुत सुकून से सोकर उठी, क्योंकि आज हस्बैंड के लिए ऑफिस के लिए नहीं उठना था, नहीं तो डेली मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं सो रही थी बट मैं मतलब सो नहीं पा रही थी, ये कहने का मतलब। जी आप बंद कर दीजिए। तो आज मैं बहुत सुकून से 10 बजे तक सो के उठी, फिर शाल लिया, देन उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ बस। लेकिन अब देखते हैं धूप कितनी है, गला नहीं सूखे बस मेरा। चलिए, तो मैं मिलती हूँ मम्मी के घर पहुँच कर। मैं आ गई थी 12:30 बजे और आने जब मैं आ रही थी इतनी ज़ोरों वाली धूप थी, पैरों में इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी, बहुत बहुत गर्म हो रहा था। और आने के बाद मैंने मुँह हाथ धोया और अभी 1:30 बज रहे, नमाज मैंने पढ़ ली है और मैं घर से पारा पढ़ रही थी 20वां पारा, तो वो ही मैंने आधा पढ़ा था। तो मैं सोच रही हूँ अभी 2 पारे पढ़ लूँ, 20 और 21, तो डेली मैं 2 पढ़ रही हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ 12 पढ़ने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कल के ब्लॉग की थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। चलिए, तो मैं पारा निकाल लूँ अपना। सब लोगों ने तो पढ़ ली है नमाज, ये देखो सिस्टर पढ़ रही है नमाज। लाइट ऑन करते हैं रूम की पहले तो। हाँ, तो मेरी सिस्टर भी अभी नमाज़ पढ़ रही है, हम मम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है, मैंने मम्मी के साथ पढ़ी थी। ये कुरान शरीफ की पेटी रखी हुई है, इसमें मैं निकालने वाली हूँ 20वां पारा। मैं 20वां पारा पढ़ रही थी। ये है 20 और 21वां भी निकालूँ, साथ ही साथ 21 भी पढ़ लूँगी मैं सोच रही हूँ। तो 20 और 21 दोनों ही मैंने निकाल लिए हैं, तो पारा पढ़ लेते हैं क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है 2 पारे पढ़ना, तो मैं अभी 2 पारे पढ़ रही हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 4:45 बज रहे हैं, थोड़ा बहुत मैंने आराम किया और फिर इफ्तारी मम्मी बनाने लगी थी तो मैं भी आ गई किचन में। और नींद तो इतनी कुछ आई नहीं थी लेकिन फिर भी। और चलिए, तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। और मैं बता दूँ पहले, मेरे 8 पारे कम्प्लीट हो गए हैं, मैंने 20 और 21, 20 और 21वां पारा कम्प्लीट कर लिया है। कल से 2 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कंप्लीट हो गए हैं और अभी जो जो बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे से। तो यहाँ पर बन रही है दही फुल्की, तो उसका ये बैटर तैयार कर दिया है। देन यहाँ पर ये हो रहा है चने बनेंगे, चना मसाला, तो उसके लिए बना रहे हैं हम, उसकी सारी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। और दही वाली पकौड़ी के लिए ये देखो मम्मी बना रही हैं, ये सारे सामान डाल रही हैं। और मैंने बोला चलो तो फिर मैं भी कुछ काम करा लेती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पर चने बनाने लगी, क्योंकि बैठे बैठे और लेटे लेटे भी ना टाइम पास होता नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ काम कर लो तो टाइम अच्छे से पास हो जाता है। और ये देखिए कौन आ गया है, कहाँ गए थे आप, इनकी शक्ल देखो, इनकी हालत कैसी हो रही है। छुट्टी वाले दिन घर के अंदर रुकना नहीं है, मुझे मम्मी के घर पे छोड़ के खुद फुर हो जाते हैं और पूरे टाइम घूमना, पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ घूमते रहते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी आदत है। कभी कुछ काम निकाल लेंगे, कभी कुछ काम निकालेंगे, कभी कार में कुछ काम है, कभी कहीं पर कुछ काम है, तो मतलब लिटरली इनका घर के अंदर पैर ऑफिस की एक छुट्टी वाले दिन भी नहीं रुकता है। तो अभी 5 बज रहे हैं, अब आए हैं, बीच में 3 बजे एक बार होकर आए थे, तो मतलब इनका ऐसे ही रहता है। ये देखो ये है वो इंसान, ये है, अब देखो अभी मुझे पागल बोल रहे हैं, रोजदार को पागल बोल रहे हैं, देख लो रोजदार मतलब पागल भी हो जाते हैं। हाँ, रोजा रखते रखते रोजदार पागल हो जाते हैं और ये लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं। सही है, सही कह रहे हैं। और
चलो तो फिर बाद में इनके बारे में तो जितनी बातें बोलूंगी उतनी कम है, और चलो तो फिर मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सारी अफ्तारी है कि टेबल ही छोटी पड़ गई। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और रोजा अफ्तार 6:43 पर है। तो सारी इतनी सारी हम लोगों ने आज इतना सब कुछ बना लिया है कि पूरी टेबल ही फुल हो गई है। सामान रखने की जगह भी नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हो सारा ही सब कुछ फुल है यहाँ पर। और हम लोग दुआ मांगते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं 7:30, नमाज मैंने पढ़ लिया, थोड़ा सा मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट और जल्दी से आ जाऊंगी, हाफ एन आवर का ही काम है। ज़्यादा कुछ मार्केट में ज़्यादा मुझे कुछ काम तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही ईद के लिए कुछ शॉपिंग किया है, तो उसी का मुझे मैंने ड्रेस मटेरियल बाय किया था, ऑनलाइन बाय किया था मैंने, वो ही मैं डालने जा रही हूँ और टेलर के स्टिच कराने के लिए। और बस उसके बाद 8:30 तक तो ईशा की नमाज होगी, तब तक तो मैं आ ही जाऊँगी। हस्बैंड आ जाए तो फिर हम लोग जाते हैं। आ गई क्या? तो हस्बैंड आ जाएं क्योंकि उन्हें भी संडे वाले दिन बहुत ढेर सारे काम रहते हैं, पता नहीं कितने ज़्यादा काम निकाल देते हैं कि मुझे भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वो भी कुछ काम से गए हैं, उन्हें फ़ोन वगैरह कुछ लेना है अपने लिए सेल फोन, और उनके फ़ोन ख़राब हो गए हैं तो उन्हें एक जो ऑफिस के लिए जिस फ़ोन में वर्क करते हैं सेकेंडरी फ़ोन बोल सकते हैं, एक वो उन्हें मतलब नॉर्मल सा एक फ़ोन लेना है। और बस अब आते ही होंगे, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने जल्दी से मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है। मम्मी अब सब क्लीनिंग वगैरह यूटेंसिल्स वॉश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इफ्तारी के बाद, तो वही सारी गैस क्लीनिंग और यूटेंसिल्स जितने भी निकले हैं सारे ही सब कुछ क्लीनिंग कर रही हैं और मैं रेडी होकर बैठी हूँ, बस मुझे जाना है जल्दी से जाएँ। चलो ठीक है, तो वो आ गए मैं जाती हूँ। सो मैं टेलर की शॉप पर आ गई थी और मैंने अपना जो ड्रेस मटेरियल था वो भी दे दिया है और विद इन अ 1 वीक के अंदर मेरे को मिल जाएगा। और आप देखो इतना ज़्यादा रश है मार्केट में कि हम लोग स्कूटी से गए थे फिर भी हम लोग को रास्ता नहीं मिल रही थी जाने के लिए। अगर हम वॉक कर जाएंगे मार्केट तो हम जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत बेइंतहा रश था, ईद की बहुत ज़्यादा रौनक लगी थी पूरे मार्केट में। तो मैं तो कुछ शूट करना चाहती थी, कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। हस्बैंड तो कहीं पर मेरे साथ गए भी नहीं थे, बाहर ही थे वो तो, क्योंकि अंदर जाने की जगह नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा फुल। आप देखो ये स्ट्रीट वगैरह शॉप एकदम फुल था सब कुछ, तो मैंने ले लिया जो मुझको लेना भी था थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स ब्लॉग का एंड करना था और आपको कुछ दिखाना भी था, तो अभी जो टाइम हो रहा है मैं आ गई हूँ मम्मी के घर से और खाना वाना डिनर हम लोग कर आए हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने आज लिया है न्यू फ़ोन। तो ये है ओप्पो का फ़ोन, उनके फ़ोन ख़राब हो गए थे तो उनको बहुत ज़्यादा नीड थी, तो उन्होंने F521 Pro ये वाला फ़ोन लिया है। फ़ोन बाहर है इसके, तो अंदर बॉक्स के क्या दिखाना। तो ये फ़ोन है, ये देखो आप, ये है वो फ़ोन और मस्टर्ड इसका मतलब बैक का है, तो अच्छा लग रहा है। कैमरा कितना है? 50 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, तो अच्छा फ़ोन है और कलर भी अच्छा लग रहा था, हस्बैंड को अच्छा लगा। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना प्यारा सा है, तो कुछ इस तरह से है। टाइम देखिए 11:30 बज रहे हैं, संडे का दिन है ठीक है। और ये है कुछ कवर, देखो उसका कैमरा सेंसर अच्छा है ये, तो पहले तो हम लोग मोस्टली सैमसंग ही लेते थे। फर्स्ट टाइम हमारे घर में न्यू मेंबर आया है ये जो है ओप्पो, तो सैमसंग के अलावा कोई भी फ़ोन नहीं लिया हम लोग ने, तो ये फर्स्ट इन्होंने ट्राई किया ओप्पो का फ़ोन, तो ये है और अच्छा लग रहा है ये फ़ोन मुझे। देखते हैं अब ये चलाएंगे भाई, इनका नया न्यू आ गया है भाई, बर्थडे भी था कल, आज न्यू फ़ोन भी ले लिया। चलिए तो फिर फ्रेंड्स आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और बाहर भी गई थी और मार्केट में थोड़ा सा काम था, ज़्यादा तो कुछ काम नहीं था, आधे घंटे में मैंने अपने काम कर लिए। और अभी जो टाइम हो गया है अब हो रहा है सोने का टाइम, जल्दी से उठना है सहरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह
29th पारा कंप्लीट हो गया है, कल से लास्ट पारा रह गया है, 30th पारा रहता है। तो मैं बता दूं, कुरान शरीफ में 30 पारे होते हैं, जिसमें से मैं 29th अभी कंप्लीट कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरा कुरान शरीफ पूरा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7 और कुरान शरीफ मेरा हो गया है, और अब मैं घर के सारे काम करूँगी और उसके बाद फ्री होती हूँ और उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आज है 19th रोज़ा, और इससे पहले जो आप आधी क्लिप देख रहे हैं वो क्लिप मेरी आई थिंक संडे वाले दिन की थी, और आज जो डे है वो थर्सडे है। तो ऑलमोस्ट मैंने 5-6 दिन के बाद मतलब ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है भाई। बट इतने दिन से फ़ोन नहीं उठाया था, तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग और शेयर करते हैं आपके साथ। तो हाफ जो है वो 5-6 दिन पहले का है, इसी में मैं आगे एड ऑन कर रही हूँ इसको ही। तो सारे मतलब सब सो भी लिया है मैंने, सारे मतलब सब कुछ हो गया है, और तस्वीर वगैरह सब मैंने पढ़ ली है, जो भी पढ़ने का था सब हो गया है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, तो आज मैं मोस्टली 5 बजे इफ्तारी की तैयारी करती हूँ, तो अब मैंने सोचा 4 बजे से करते हैं। और आज मुझे कुछ बहुत अच्छा अच्छा कुक करने का दिल हो रहा है, जो कि है आज, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। और जब कुछ बहुत अच्छा अच्छा कुक करते हैं तो मुझे मज़ा भी आता है ब्लॉग बनाने में। एंड आज मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बनाते हैं, तो सोच तो मैंने मॉर्निंग से ही लिया था कि कुछ अच्छा सा आज कुक करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत बहुत अच्छे जा रहे हैं, और ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कैसे सारे रोज़े मतलब जा रहे हैं। और जो हमारा डेली का स्केड्यूल है इतना अच्छा हो गया है मेरा, तो मैं बता दूँ इतना अच्छा हो गया है कि मैं सुबह से उठती हूँ, पूरे घर के काम भी कर लेती हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। अल्लाह ऐसी मतलब अल्लाह बोलते हैं ना कि तुम रोज़े रखो और मतलब मैं सब करूँगा उसके बाद। सब मतलब हम लोगों को एकदम फ्रेश रहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थकान नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के बाद, फिर मैं जोहर में उठती हूँ, एंड उसके बाद अभी मैंने सोचा 4 बज रहे हैं, जल्दी से काम में लग जाते हैं। तो आज मैं बहुत अच्छा अच्छा बनाने वाली हूँ, और हस्बैंड को भी सरप्राइज करते हैं बनाकर। नॉर्मली तो डेली चने वगैरह ही रहते हैं, चने, हलवा एंड भजिया पकौड़ी, यही सब रह रही थी। ज़्यादा मैं कुछ इतना मतलब बना रही थी, बट कभी कभी ज़्यादा नहीं, डेली डेली तो अब क्या डेली डेली कुक करे, वही सब है। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं बना रही हूँ फ्रूट रायता मीठे में। मैं सोच रही हूँ, हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मन है, कल वो बोल कर गए थे मुझसे, मतलब बोल रहे थे कि फ्रूट रायता बनाना, तो मैं फ्रूट रायता बनाऊंगी आज। और मेरा मन है ना स्प्रिंग रोल बनाने का, बट 2-3 चीज़ें नहीं है मेरे पास, लाइक कैबेज नहीं है, और मेरे पास ना वो चाउमीन वगैरह होती है, तो मैं मैगी उसके अंदर स्टफिंग डालूंगी मैं, और उसके बाद मैं मैंगो शेक बनाऊंगी। तो आज ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। मैंगो शेक मैं अभी ना फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मार्केट में हमने मैंगो शेक पिया है, बट मैं घर पर अभी बना रही हूँ फर्स्ट टाइम, और रमज़ानों में भी पहली बार ही बना रही हूँ। और मैंने सोचा क्योंकि ना ये जो फ्रूट्स की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो जल्दी से लग जाते हैं, और अभी 1 घंटा है 5 बजने में, क्योंकि तब तक असर की अजान होगी, 1 घंटे में देखते हैं क्या क्या करते हैं। और भजिया भजिया तो हम डेली ही कुक कर रहे हैं, तो आज भी बनाते हैं वो भी, क्योंकि अगर मैं भजिया नहीं बनाऊँ तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें डेली भजिया चाहिए। तो ना मैं डेली ही पकौड़ी वगैरह तो डेली ही मैं बनाती हूँ। और एक कमेंट आया था कि आप मंगलसूत्र क्यों वेयर करती हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम? यस, मैं मुस्लिम हूँ, तो बट ये मंगलसूत्र वेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ये हम एक ऐसे ही जस्ट जैसे हम चेन पहन लेते हैं ना, लाइक वैसे ही है, कोई मैं उस पर्पज से नहीं पहने हूँ कि मैं ये मंगलसूत्र पहने हूँ, लक वैसे ही रहा है। मैं नॉर्मली गले में कुछ भी मैं पहनती नहीं हूँ, बट मतलब जब से मेरी शादी हुई है मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में देखती थी कि सब लोग पहनते, और आप देखो कितना लाइट सा छोटा सा है, तो मैं हमेशा ये पहन कर रखती हूँ। उस बेसिस पे नहीं पहनती हूँ कि हिंदू पहनते हैं तो मुस्लिम नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब हिंदू में बहुत ज़्यादा ये रिलीजियस चीज़ है,
बट हम लोगों के मुस्लिम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक मतलब जैसे गले में हम कुछ चेन वगैरह पहनते उसी के बेसिस पर मैं पहन ले रही हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आई नो दैट कि मुस्लिम में मंगलसूत्र वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये लगता वैसी है, लेकिन मुझे बड़ा क्यूट लगता है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था गले में पहनने के लिए, इसलिए मैं पहन रही हूँ। अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, रोज़े रख रही हूँ तो मंगल, ऐसा कुछ नहीं है डियर। अगर आप ऐसा सोच रही हो तो इसलिए मैंने सोचा बता दें, छोटी सी बात ही, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं जस्ट उसे मंगलसूत्र समझ कर नहीं पहनती हूँ, नॉर्मली उसे एक नेक पीस समझ कर पहन लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मेरी इसकी तारीफ की थी, थैंक यू सो मच। बस बताना ज़रूरी था कि जस्ट मैं से नेक पीस समझ कर ही पहनती हूँ। चलिए तो चलते हैं किचन में और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक चॉपिंग। बड़ा मज़ा आने वाला है आज फ्रूट्स की चॉपिंग करने में, तो चलिए किचन में चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, मैं अपनी फेवरेट जगह पर आ गई हूँ मेरे किचन में, तो बनाना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो फ्रूट्स की चॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। फ्रूट रायता, तो जो जो फ्रूट्स मैं ऐड कर रही हूँ वो है यहाँ पर मस्कमेलन, खरबूजा, पपीता और अनार, सेब और बनाना है। इसमें देखो कितना ज़्यादा बर्फ जम गया है, फ्रिज में से निकाले ना, इसको वॉश करते हैं पहले। तो ये है अंगूर, तो ये सारे ही फ्रूट्स मैं कट करने लगी। सारे ही फ्रूट चॉप कर लिए हैं मैंने, एप्पल ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, इसलिए मुझे जल्दी से रायता बनाना है। तो ये देख लो, सारे ही फ्रूट जो भी आपके घर में है वो आप सारे डाल सकते हो, ऑलमोस्ट सारे ही मेरे पास मिल गए हैं, तो वो सारे फ्रूट्स हैं। अब मैंने एक बड़ा बोल लिया है, इसमें ये देखो क्या ब्लेंडर हो गया एकदम से। सो मैं यहाँ पर आधा किलो का बना रही हूँ, तो 500 ग्राम मेरे पास है दही। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, मतलब काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। रायता जल्दी से रेडी कर दिया, विदिन हाफ आवर के अंदर मेरा फ्रूट रायता बन गया है, एंड देन बहुत ही अच्छा बना है। बट मुझे शुगर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं मिल रहा था, तो मैंने अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट मैंने डाल दिए अभी, फिर बाद में देखते हैं कि मतलब अगर फीका लगेगा तो मैंने पाउडर शुगर करके जैसे कि इसमें रख दिए, तो फिर मैं बाद में मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल, तो फर्स्ट मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ मैगी स्प्रिंग रोल बना रही हूँ मैं। तो सारी वेजिटेबल मैंने चॉप कर दी हैं और बस अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग रोल के लिए सबसे पहले हम मैगी बना लेते हैं। तक साइड में मैगी हो रही है, हम इसके रैपर बनाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो इसे हम साइड में करते हैं और अब हम इसका आटा लगा लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि मेरे पास तो मार्केट वाली नहीं है। तो जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा लगाना है, ना ज़्यादा कर्रा ना ज़्यादा ही सॉफ्ट, तो नॉर्मल जैसा हम लगाते हैं वैसे ही लगाना है। अब मैं आटे को 10-15 मिनट की रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। टाइम हो गया है 5 और जितना काम मैं जल्दी जल्दी कर सकती थी मैंने सारे काम कर लिए हैं और पकौड़ी के लिए भी मैंने पूरा बैटर रेडी कर लिया है। उसके लिए जो चटनी खाई जाती है हरी धनिया और मिर्ची वाली चटनी, वो भी मेरी मतलब अभी मुझे ग्राइंड करनी है और कूलर में मेरा पानी भी फिल हो गया है, तो ये सारे काम मेरे हो रहे थे। तो अब हो गई अजान, वुज़ू कर लेती हूँ। 5 बज रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं। असर की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद आगे का काम करते हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ड्राई हो गई है, जितनी गर्म थी मैंने इसे फ़ैन के नीचे रख दिया था, तो बहुत ही जल्दी ये देखो अच्छे से हो गई है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ी के लिए चटनी, जिसमें टमाटर है, हरा धनिया और एक लहसुन, और इसमें हम जाएगा थोड़ा सा नमक। तो फ्रेंड्स मेरे सारे ही ये रैपर्स बनके रेडी हो गए हैं और जल्दी जल्दी में कुछ कुछ मेरे ख़राब भी हो गए हैं, बट ठीक है इस तरह से ही बन गए हैं घर में जल्दी जल्दी से। देख सकते हो मैंने हर शेप में बनाए हैं, बिग साइज़ में बनाए हैं, स्मॉल में भी बना लिए हैं, जैसा आपको नीड हो आप उस तरह से बना सकते हो। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाए हैं, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे बन गए। अब मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी। इफ यू वांट तो आप इसे कट भी कर सकते हो, देखिए कितने क्रिस्पी बने मेरे। तो स्प्रिंग रोल सारे ही रेडी हो गए हैं, देखो कितने डिलीशियस बने हैं। मेरा मैंगो शेक बनाना रह गया है और बहुत ही लास्ट मोमेंट, आई थिंक 6:25 हो रहे हैं और लास्ट मेरा ये मैंगो शेक बन रहा है। जो कुछ भी बनाया है वो अब हस्बैंड से उसका रिव्यू लेंगे कि कैसा बना है। फर्स्ट तो वो स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, ये देखो आप कैसे हैं स्प्रिंग रोल। सॉस तो निकालो पहले, आप निकालो ना सॉस, बिना सॉस के वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो सॉस निकालिए तो समझ में आएंगे। इसको बनाने में लिटरली मुझे ना बहुत टाइम लग गया था और आज मेरा जो इफ्तार था बिल्कुल टाइम पर बना था, जितने बजे खुलता है उसके 2 मिनट पहले ही बना था, तो बहुत टाइम लग गया इन सब चीज़ों को बनाने में। तो होता है मैं इफ्तार के टाइम जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत ही खाती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर यूटेंसिल्स रहते हैं वो वॉश कर लेती हूँ, फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं तब मैं थोड़ा सा फिर से दोबारा से ये खा लेती हूँ, तो डिनर बहुत ही कम खाती हूँ। तो अभी इन्होंने अपना रिव्यू दे दिया है कि अच्छा बना है, और जब ये फ्रूट रायता खाएंगे तब भी ये बताएंगे कि कैसा बना है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग, और अभी जो टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है, डिनर हो गया है। तो डिनर में कड़ी एंड राइस थी तो वो हम लोग ने खा लिया है। हस्बैंड ऑलरेडी सो गए हैं, मैं भी बस सोने जा रही हूँ क्योंकि सुबह फिर सैरी के लिए उठना है 3:30। एंड चलिए मिलती हूँ आपसे अच्छे से न्यू ब्लॉग या वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय, स्टे ब्लेस्ड।